दोस्तों एक टाइम था जब इस तरह के ऐड बनाने में कम से कम एक घंटा लग जाता था और आजकल ये काम आप सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हो AI और कैनवा की मदद से और आसानी से किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से 500 रुपये कमा भी सकते हो। कैसे करना है ये दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल डिजिटल अनुदेशक में, जहां आपको मिलता है मुफ्त का ज्ञान जो आएगा आपके बहुत काम। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए कैनवा मैजिक स्टूडियो के AI ट्यूटोरियल्स लेकर के आ रहा हूं, जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आज मैं कंटिन्यू करूँगा एक और बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें हम एक कम्प्लीटली रील बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के लिए, जिसका लाइव डेमो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कैनवा की मदद लूँगा और कैनवा के साथ साथ एक AI टूल की भी मदद लूँगा, जिसके अंदर हम इमेज जनरेशन का काम करेंगे। तो पहले मैं कैनवा में एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। मैं canva.com के अंदर साइनअप लॉगिन वगैरह करके यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रेस्टोरेंट ऐड। एक बेसिक सा टेम्पलेट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जिसको हम एज ए बेस लेआउट यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम अपना मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो नीचे जब मैं आऊँगा तो देखिए एक सिंपल सा टेम्पलेट मुझे मिल गया, ये मैं ले लेता हूँ। कुछ इसी तरह का हम बनाएंगे, आप चाहें तो नीचे से कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये मेरे लिए सही है। तो मैं इसे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर दूंगा और मेरा एक प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा खुल चुका है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा अपनी इंस्टाग्राम रील, जो मैं व्हाट्सअप वगैरह पर भी शेयर कर सकता हूँ। इसका नाम, लोगो वगैरह और इमेज वगैरह हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसके मैं इमेजेस तैयार करूँगा, वो मैं रेस्टोरेंट में जा करके एक्चुअल इमेजेस पिक नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी AI की पावर से उसे क्रिएट करूँगा इस ऐप के थ्रू। दोस्तों Leonardo.ai एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप फ्री में AI इमेजेस बना सकते हैं एकदम रियल दिखने वाली। तो इस वेबसाइट को जब मैं ओपन करता हूं तो मुझे यहां पर लॉन्च ऐप का बटन दिखता है। इस पर क्लिक करके आप साइनअप कर सकते हैं जीमेल अकाउंट से, जिसके अंदर आपको लगभग 150 क्रेडिट्स फ्री मिल जाते हैं। और ईच इमेज अगर 8 से 10 क्रेडिट यूज़ करें तो आप आराम से पर डे 10 इमेज या 15 इमेजेस तो बना ही सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए आपको कुछ सैम्पल्स भी दिख जाएंगे किस तरह की इमेजेस ये क्रिएट कर सकता है। हम यहाँ पर अपनी AI इमेज जनरेशन पर क्लिक करके अपनी इमेज क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं इस तरह से एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, एन इंडियन फूड एंड रेस्टोरेंट टेबल विद डिलीशियस चीज़ी पिज़्ज़ा --, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉपी कर लेना। ये प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं जनरेट करता हूँ तो देखिए इस तरह की कितनी शानदार, कितनी रियलिस्टिक इमेज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस इमेजेस को हम यूज़ करेंगे जो भी मुझे पसंद आएगी। इसको थोड़ा मैं अनजूम भी कर सकता हूँ, जिससे ये बॉटल और ये पिज़्ज़ा कंप्लीट दिखे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ टोकन्स मेरे यूज़ हो जाएंगे। 9 टोकन्स तो मेरे इमेज जनरेशन में और कुछ शायद 20 टोकन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो ये देखिए मैं, ये अपनी इमेज बन चुकी है। जैसे ही मैं अनजूम इमेज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लोड होना शुरू हो गया और ये अपनी एक शानदार इमेज बन चुकी है। मैं इसे यार आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ और फिर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह की 2-3 इमेजेस मैं यहाँ पर बना लूँगा। आपको प्रॉम्प्ट सही से लिखना है, वो लिखने के बाद ये अच्छी इमेजेस बन जाती है। मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। इसी तरह की 2-3 इमेजेस मैं डाउनलोड कर लूँगा और फिर अपन वापस चलते हैं कैनवा की तरफ। अपलोड में मैं आऊँगा, अपलोड सेक्शन में। यहाँ से मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करके तीनों ही इमेजेस को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं अपलोड कर दूँगा। जो भी मुझे सेट बैठेगी उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। तो ये देखिए हो चुकी है, मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप की, ये देखिए इस तरीके से इमेज लग रही है। दूसरी इमेज मैं ट्राई करता हूँ और ये इमेज मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कम्प्लीट लग रही है, तो इसे मैं यूज़ करूँगा। अब ये लोगो कंटेंट वगैरह मुझे यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ पहले मैं एक अच्छा सा टाइटल ले लेता हूँ रेस्टोरेंट के नाम के लिए। तो मैं इसको चूज़ करूँगा, इसको मैं चेंज करके अपना रेस्टोरेंट का नाम लिखूंगा बाद में। और इसको मैं रिसाइज वगैरह कर दूंगा, जो ऑलरेडी लोगो वगैरह उसको डिलीट कर देता हूं। धीरे धीरे मैं अपना कंटेंट तैयार करूंगा और इसको थोड़ा रिसाइज वगैरह कर लेंगे। इसकी पोजीशन भी सेट करनी है, इसको अपन हटा देते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं। थोड़ा इसका कलर भी अपनी थीम के अकॉर्डिंग चेंज कर देता हूँ, थोड़ा गोल्डन येलो की तरफ। और इसको अपन थोड़ा नीचे लेके इसके ऊपर मैं कुछ ऑफर लिख देता हूँ, बाद में हो सकता है अपन इसे चेंज कर लेंगे, पर एक बार के लिए टेम्परेरी मैंने कुछ सेक्शंस बना लिए। इसका नाम मैं ले देता हूँ पनीर पिज़्ज़ा, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और इसके अलावा मैं फिर एलिमेंट्स में आऊँगा और एक यहाँ पर एक ऐसा शेप ले लेता हूँ जिसके ऊपर अपन टेक्स्ट और फ़ोन नंबर वगैरह लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी वगैरह मैं सेट कर लेता हूँ, हल्का सा ट्रांसपेरेंसी को बनाएंगे ताकि पीछे से थोड़ा दिखे। और थोड़ा टेक्स्ट इसमें मैं सेट कर लूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको और सेट करेंगे। टेक्स्ट मैं नीचे ले आता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर सेट बैठता है। और इसको भी अपन थोड़ा अपन यहाँ से रेस्टोरेंट का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया है पिज़्ज़ा हाउस। और पिज़्ज़ा हाउस लिखने के बाद इसको अपन थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी लेटर स्पेसिंग वगैरह भी अपन सेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इसका टेक्स्ट बना देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लोगो भी बना सकते हैं, मैंने इसको ऊपर ले लिया है। अब अपन यहाँ पर एक सर्च करते हैं GIF, तो मैंने लिखा पार्टी। यहाँ पर पार्टी के बहुत सारे एनिमेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, जिसमें से एक ये वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको थोड़ा रिसाइज करूँगा, बड़ा करूँगा थोड़ा ऊपर ले जा करके। इसकी ओपेसिटी भी अपन सेट करेंगे, यानी ट्रांसपेरेंसी भी अपन सेट करेंगे, और इसे एकदम पीछे मुझे रखना है लेयर्स के, सॉरी सबसे टॉप पर रखना है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं एकदम कम कर देता हूँ ताकि सिर्फ एक हल्का सा इफेक्ट देखे, और साथ ही साथ इसको रिसाइज भी कर दूंगा ताकि पूरी रील पर इसका एक शावरिंग इफेक्ट इसका आए। तो इस तरीके से ये भी तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा टेक्स्ट वैक्स के साथ प्ले करते हैं, हमें कुछ टेक्स्ट लिखना भी है, जिसके लिए हम कैनवा मैजिक राइट का यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ऊपर ले जाऊँगा और फिर कंटेंट राइटिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैजिक राइट का ऑप्शन आता है, ठीक है। इससे आप AI की मदद से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने जनरेट किया, यहाँ पर देखिए बड़ा सारा टेक्स्ट बन के आ चुका है पनीर पिज़्ज़ा के बारे में, क्योंकि हमने पनीर पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया हुआ था। आप चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, इसको कोई भी कमांड दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मेक इट क्रिएटिव, तो थोड़ा और इसको क्रिएटिव बना देगा ये। फिर आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो मैंने इसको शॉर्टन कर दिया, देखिए सिर्फ 3 या 4 लाइन का आ गया, जिसको हम यूज़ कर लेंगे और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अपन कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसका अपन फॉन्ट वॉन्ट सेट कर लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा कलर कर लिया, इसका थोड़ा अपन कर लेंगे सेंटर लाइन, इसका अपन फॉन्ट साइज़ भी बढ़ाएंगे, इसका कलर भी चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको एडिट करके अपन छोटी लाइन बना लेते हैं, अपन को एक ही लाइन की टैग लाइन चाहिए। यहाँ पर एक फॉन्ट मैं यहाँ पर अपनी थीम के अकॉर्डिंग अच्छे से चूज़ कर लूँगा, जो भी मैं फॉन्ट चूज़ करूँगा उसका फिर मैं यहाँ से कलर साइज़ वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी सही लगने लगा है। अब अपन इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके पनीर पिज़्ज़ा को मैं नीचे ले आऊँगा, इसको भी थोड़ा नीचे ले आऊँगा। तो देखिए पनीर पिज़्ज़ा की यहाँ डिटेल भी आ रही है कि पनीर पिज़्ज़ा एक्चुअल में होता क्या। थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा किया और इसको अरेंज कर लिया, इसको अपन अलाइन कर देंगे प्रॉपरली। ऊपर जो पनीर पिज़्ज़ा लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देंगे। अब थोड़ा ऑफर वाले सेक्शन को अपन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बैज। तो बैज में क्या होता है, इस तरह के आपको बैजेस मिल जाएंगे जिसके ऊपर कुछ आप राइट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी तरह का ऑफर भी यहाँ पर डाल के ऑफर के बारे में भी चूज़ कर सकते हैं। तो एक सबसे बेस्ट दिखने वाला अपने यहाँ पर यूज़ करेंगे जो फ्री में अवेलेबल हो। तो नीचे मैं थोड़ा सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। नीचे देखिए राउंड सर्कल घूमने वाला जो है ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, और ये बहुत एनिमेटेड सा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इसके ऊपर मैं 50% ऑफ को मूव कर लूँगा। इसको अपन बाद में चेंज करेंगे समथिंग लाइक बाय वन गेट वन, पर अभी के लिए ठीक है। थोड़ा अपन फॉन्ट वॉन्ट इसका सेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या किस तरीके से इसका साइज़ वगैरह बेटर लगेगा। तो थोड़ा मैं फॉन्ट्स के साथ प्ले अराउंड करूँगा, तो अपन को जब अच्छा फॉन्ट वगैरह मिल जाएगा तब अपन इसके अंदर इसको चेंज कर देंगे, इसका कलर वलर भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ मैंने बाय वन गेट वन लिख दिया, इसका फॉन्ट मैं थोड़ा और सेट कर लेता हूँ। कुछ कंटेंट्स फॉन्ट चाहिए ताकि पूरा कंप्लीट दिखे। यहाँ पर इसको मैं कैपिटल लेटर्स में भी ले लूँगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इस तरह के देखने के बाद हम इसकी थोड़ी लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट वगैरह भी सेट कर लेंगे, और इसको एकदम उस सर्किल के अंदर अपन बना करके रखेंगे। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड सर्किल है इसका कलर भी मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूँ। और इसका अपन क्या करेंगे कि जो बाहर वाला कलर है इसको भी चेंज कर लेंगे येलो में, क्योंकि अपनी थीम ऐसी है, और इसको साथ साथ अपन ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देंगे। तो एकदम हल्का इफेक्ट आएगा और बहुत ही यूनिक लगेगा। इसको अपन साथ में ग्रुप भी कर लेंगे सेलेक्ट करके, थोड़ा रिसाइज वगैरह करके, ताकि एक ही एलिमेंट बन जाए। ओके, तो ये देखिए मैंने ग्रुप करके इसको अपनी जगह पर मूव कर दिया। इसे फिर अपन किसी एक्स जगह पर अच्छे से यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये काफ़ी हद तक देखिए अपनी बनके तैयार हो चुकी है, और अपन देखते हैं इसमें अपन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर डाल लेते, तो मैंने कॉल का एक एक्शन लिया। तो ये वाला बटन बहुत अच्छा है, बहुत मूविंग है, एनिमेटेड है, इसको अपन ने ले लिया है। और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके और अपना इसकी कॉपी बना के यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी लिख दूंगा। अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर लेते हैं तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। मेरा क्लाइंट सिर्फ फ़ोन से ऑर्डर लेता है, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया। हालांकि ये फ़ोन नंबर फेक है, मैं बाद में से चेंज कर लूँगा। इसको मैं थोड़ा रिसाइज वगैरह करके इसे भी ग्रुप कर लूँगा, और ग्रुप करने के बाद हम एक साथ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे, छोटा बड़ा करके इसको अलाइनमेंट वगैरह सेट कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये डिज़ाइन यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको एनिमेशन करना है, तो सबको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, फिर एनिमेट पे, और यहाँ पर मैं पॉप एनिमेशन का यूज़ कर रहा हूँ। पॉप एनिमेशन मुझे बहुत सही लगता है, बाकी भी आप काफ़ी तरह के एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं, पर यहाँ थोड़ा मुझे हाईलाइट करना है तो मैं पॉप को यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो अनवांटेड एनिमेशन है उसे मैं हटा दूंगा, तो मैं नीचे वाली लेयर्स को सिलेक्ट करके और उसका एनिमेशन यहाँ से हटा दूंगा। तो पहले मैं लेयर्स में आया और यहाँ पे देखिए सारे लेयर्स दिख रही हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसका जो एनिमेशन है पॉप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है उसे वही एनिमेट हो, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी रील, हमारा एडवर्टाइजमेंट देखिए तैयार हो चुका है, स्टेटस के लिए, रील्स के लिए, सबके लिए। इसकी लेंथ वगैरह भी मैं सेट कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मुझे इसका म्यूज़िक बनाना है। तो म्यूज़िक मैं बता चुका हूँ कि हम AI की मदद से बना सकते हैं। मैं म्यूज़िक
ऐप को यूज़ करके यहाँ मैं लिख दूंगा हार्ड रॉक रॉक म्यूज़िक विद सितार और इसकी 10 सेकेंड की लेंथ करके इसको मैं जनरेट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा। इसकी डबल कॉपी बना दूंगा क्योंकि अपनी लेंथ जो है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा है, तो इसका जो म्यूज़िक अपन ने जनरेट किया है इसकी मैं कॉपी एक और बना दूंगा ताकि पूरी रील पर ये साउंड प्ले होता रहे लूप में। ओके, तो ये हमारी रील बन के तैयार है। इंस्टाग्राम रील आप किसी भी रेस्टोरेंट को सेल कर सकते हैं 500 रुपये या ज़्यादा में भी और उनकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका खुद की दुकान या खुद का रेस्टोरेंट है तो और भी ज़्यादा रुपये आप कमा सकते हैं। इसी तरह के ट्यूटोरियल के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।